Everybody, this is Rahul and welcome to Kalagan YouTube channel. Today we will do class 10th NCERT math exercise 9.1 question number 13. As observed from the top of the 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of elevation depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance बिटवीन द टू शिप्स. ठीक है, हमने टू शिप्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसे इजी बनाने के लिए इसको डायग्राम बना लेते हैं. तो एक 75 मीटर का ये लाइट हाउस है जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है पहले 30 डिग्री का एंड देन 45 डिग्री का. ये दो शिप्स हैं. ठीक है, और इस शिप्स का हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस हमने निकालना है. तो हम पॉइंट दे देते हैं इसको सबसे पहले ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो हमने डिस्टेंस ऑफ शिप निकालना है. तो चलिए इसको हम अब सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं एंगल ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी एंड सी. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. एंगल ऑफ ए बी एंड सी में हम लेते हैं ए बी अपॉन बी सी, यानी कि ये ए बी अपोन ये बी सी परपेंडिकुलर अपोन बेस. किसकी प्रॉपर्टी होती है, टेन की प्रॉपर्टी होती है, टेन 45 डिग्री. ठीक है, ए बी हमें गिवन है 75 मीटर, बी सी 10 45 की वैल्यू 1. सो हमारे पास बी सी क्या आ गया, 75 मीटर आ गया, यानी कि हमने ये बी सी फाइंड आउट कर लिया है. अब हम लेते हैं एंगल ए बी डी, यानी कि ओवरऑल टोटल ए बी एंड डी. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल ऑफ ए बी डी में इसमें लेते हैं ए बी अपॉन बी डी, ये वाला ए बी और ओवरऑल बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन की प्रॉपर्टी होती है, थीटा हमें गिवन है 10 30 डिग्री, ए बी हमें गिवन था 75, बी डी किससे मिलके बना है, बी डी बताइए, बी सी प्लस सी डी से, यानी कि बी सी प्लस सी डी से मिलके बना है बी डी. और 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3. इसको सॉल्व करते हैं, 75 अपॉन बी सी की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली थी जो 75 आया है, प्लस सी डी 1/√3. इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 75√3 इंटू 75 इज इक्वल टू 75 प्लस सी डी. 75√3 माइनस 75 सी डी, 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 सी डी. तो यानी कि हमने अब सी डी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जो कि क्या आया है, 75 √3 माइनस 1. और शायद हमें यही फाइंड आउट करना था, इन दो शिप्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, सी डी हमें फाइंड आउट करना था, और वो हमने सी डी फाइंड आउट कर लिया है जो कि आंसर आया है 75√3 माइनस 1 मीटर. ठीक है, तो ये था सम, इजीली हमने सॉल्व कर लिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.